मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स, अनवेगा मॉल, अजमेर। भारत सरकार ने पिछले दिनों रेलवे बोर्ड का विघटन करने का काम किया और भारतीय रेलवे जो पिछले 165 वर्षों से बिल्कुल अच्छी तरह से रेल संचालन का काम कर रही है, भारतीय रेलवे तमाम सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन करते हुए समाज के जरूरतमंद 33 तबकों को रियायत प्रदान करते हुए भारतीय सेना का सुगम यातायात का साधन उपलब्ध कराते हुए इस देश की जनता को खाद्य सामग्री समय पर पहुँचे इसके लिए सस्ता सुगम यातायात साधन उपलब्ध कराते हुए इसके बावजूद भारतीय रेलवे लगातार मुनाफे में अपना काम कर रही है। इस देश का सबसे सस्ता, सुरक्षित और सुगम यातायात का साधन है। रेल मंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि पूरे वर्ष में एक भी यात्री की किसी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होने का काम हुआ। ऐसे सुरक्षित यातायात का साधन जिसे इस वर्ष पर्यंत 300 रेल कर्मचारियों ने अपनी जान देकर के एक सुरक्षित यातायात का साधन इस देश की जनता को देने का काम किया, एक सस्ता यातायात का साधन देश की जनता को देने का काम किया। ऐसे संस्थान का विघटीकरण करने का काम जो सरकार कर रही है, इसे टुकड़ों में बांट करके पूंजीपतियों को बेचने का जो निर्णय लेने का काम किया जा रहा है, FDI के माध्यम से विदेशी पूंजी का निवेश करने का जो काम किया जा रहा है, देश के जो हमारे संसाधन हैं उन्हें बेचने की कार्यवाही जो की जा रही है, श्रम कानूनों में बदलाव करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, इससे रेल कर्मचारी बहुत दुखी हैं और पूरे देश भर में 2 जनवरी से 7 जनवरी तक एक विरोध सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित करने का काम किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने हल्ला बोल के नाम से इस विरोध सप्ताह को लगातार अलग अलग इकाइयों पर, अलग अलग कारखानों पर, अलग अलग यूनिटों पर प्रदर्शन, धरने और मीटिंगों के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया है और इसके अंतिम दिन आज अजमेर स्टेशन पर एक सद्बुद्धि जागरण का कार्यक्रम करके ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे रेल मंत्रालय को, भगवान सद्बुद्धि दे इस सरकार को कि भारतीय रेल जो एक राष्ट्रीयकरण का एक सिंबल है, आज़ादी के बाद तमाम उपक्रमों को, तमाम जो राजाओं की रेलों को एकीकृत करके भारतीय रेल को जो समुचित रूप दे करके और एक राष्ट्रीयकरण करने का काम किया गया था, इसके विघटन की कार्रवाई रुकनी चाहिए और भारतीय रेल रहे, भारतीय रेल अंबानी की रेलवे नहीं बने, भारतीय रेल अडानी की रेलवे नहीं बने, भारतीय रेल भारत की जनता की रेलवे बनी रहे, इसके लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मोहन चलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन।